हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? कैसे? मैं ठीक। तुमने तो सबको बड़ा इम्प्रेस कर दिया, जिस तरह से तुमने अंदलीव वाली सिचुएशन हैंडल की है, सब तुम्हारे फैंस हो गए हैं। क्या बात करें यार, इंसान हूँ, जानवर थोड़ी हूँ मैं। अच्छा, मैं तुम्हें सॉरी कहने आई थी। मुझे लगा कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए था अंदलीव और मुइज के बारे में। मुझे भी बहुत दुख हुआ जब मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया। पता, मैंने बहुत बार सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं, मुझे समझ ही नहीं आई कैसे बताऊं। एंड ऑनेस्टली आई डिडंट थिंक कि वो इतनी सीरियस है मुइज के बारे में। मुझे लगा भूल भाल जाएगी। चलो, जो हो गया सो हो गया। सुनाओ, कैसी हो तुम? बस आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश में लगे हैं। मस्ट बी चैलेंजिंग। नहीं, उसके लिए बहुत मुश्किल होता होगा जब तुम्हें रात को लेट नाइट ड्यूटीज पे आना पड़ता होगा। मुझे जब पहली इमरजेंसी कॉल आई, वो ऐसे करके उठ गया। मैंने कहा भाई कुछ नहीं हुआ, ये रोज होगा। इट्स टफ, उसके लिए भी टफ होता होगा। ही डजंट हैव टू कम टू वर्क इन मॉर्निंग। हाँ, और उसका ये है ना कि एक बार अगर रात में नींद खुल गई तो फिर उसके बाद ही कांट स्लीप। क्यों जुल्म कर रही हो बेचारे पे? तुम्हें काम क्यों नहीं करती? जिस दिन तुम्हारी ड्यूटी हुआ करे, तुम किसी और कमरे में सो जाया करो। नॉट अ बैड आइडिया। खैर, मैं आई थी तुम्हें सॉरी कहने और ये बताने कि मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी अंदलीब से शादी हुई है। तुमसे उसकी शादी ना होती तो हशर नशर हो जाता उसका। और जो मेरा हशर हुआ वो वो सब उससे बचपने में हो गया, बस लेट इट गो। और तुम जो उसके लिए कर रहे हो, उसके लिए वो हमेशा ग्रेटफुल रहेगी। तो बहुत अच्छी बीवी मिली है तुम्हें भी। एक दिन के लिए शी आस्क्ड फॉर डिवोर्स। चलो, आई गॉट गो, बाय। व्हाट डू यू मीन?